Welcome to this August gathering at NITN's Career Institute. Today, as we assemble in the heart of downtown Srinagar, we celebrate not just academic excellence, yet it's in these very challenges that the true spirit of downtown's people खुशी मुझे इस बात की भी है, दोबारा खुशी इस बात की है कि NITN's Career Institute, जिसका जन्म ही शहर खास में हुआ, एक छोटा सा पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और ये जो कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ के तलबा को तालिबात को जो करियर गाइडेंस के हवाले से मौके फराहम किए जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाएं, ताकि वो भी अपने मुस्तकबिल को सवार सकें, ताकि वो भी अपने मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि कंपटीशन का दौर है, बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, और आज के दौर में जितना ज़रूरी स्कूल जाना है, इंस्टीट्यूशन जाना है, उतना ही अहम अब करियर इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग सेंटर्स का एक मकाम बन गया है, क्योंकि यहाँ पे एक फोकस्ड एनवायरनमेंट में आपको जो है वो गाइडेंस मिलती है। इस हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी हुई ये जानकर के बशीर साहब और उनकी पूरी टीम, इनका जो फोकस रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन पे रहा है, न कि सिर्फ कमर्शियल ये वेंचर नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक समाजी वेंचर है। और आज जिस तरह से माशाल्लाह इनकी फैकल्टी है यहाँ पे, रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो इस्लामिक स्कूल की बुनियाद डाली, और मैं आपको ये बात कहूंगा, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मुझे कुछ साल कबल, 5-6 साल कबल, जब मुझे वहां के जो हमारे जो मुंतजमीन है स्कूल के, प्रिंसिपल वगैरह, उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामिक स्कूल में जो 5-6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 35-40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पहली जनरेशन आज पढ़ रही है। तो गोया कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जरूरी है आज के दौर में कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, और क्वालिटी एजुकेशन उस तरह से दे सकें कि कम से कम, क्योंकि आप देखें कि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि श्रीनगर जो है वो सिटी का जो है वो हमारा कैपिटल भी है हमारी रियासत का, और श्रीनगर सिटी का जो महवर है, जो सेंटर है, वो शहर खास है, लेकिन ये भी हकीकत है कि डाउनटाउन की अगर हम बात करें, जहाँ पे कल्चरल एक फोकल पॉइंट रहा है, हमारा रिलीजियस जो है मरकज रहा है, लेकिन गुर्बत और इफलास के हवाले से भी डाउनटाउन जो है वो बहुत आगे है एज कम्पेयर टू अदर। अगर हम एरियाज की बात करें जितनी गुर्बत डाउनटाउन में है, शहर खास में है, उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए उस हवाले से ये कोशिश करना कि यहाँ पे हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद डालें जिससे कि लोगों को फायदा मिले, जिससे कि लोगों को बेहतर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिले। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, और इसके पीछे कोई कमर्शियल सोच नहीं है, बल्कि ये एक मिली खिदमत का एक जज्बा है, एनलाइटन होना चाहिए। आज भी आप देखें कि ऐसे जो है वो तवहमात हमारे जहनों में है, ऐसे गैर इस्लामी और गैर इखलाकी अखदार हमारे माशरे में पनप रहे हैं, इससे कि इंसान जब सुनता है तो बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल हमारे सामने पैदा होती है। तो इसलिए जहाँ पे आपका फोकस करियर बिल्डिंग पर है और एजुकेशन पर है, वहां पे एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ जब तक तरबियत नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि तालीम का जो वो तस्वुर है वो अधूरा रह जाता है। तालीम के साथ तरबियत लाजमी हिस्सा है, और इन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी बनती है कि तरबियत के हवाले से कम एक आध प्रोग्राम महीने में रखा करें, जहां पे बच्चों को सही तरबियत दी जाए, उनको वैल्यूज, क्योंकि जब तक इस्लामिक वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज को हम जो है उजागर नहीं करेंगे, और उनको ये बता, नौजवान 17-18 साल के होंगे, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, एक और हमारा नौजवान जो है वो मौत हयात की कश्मकश में है,
तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि देखिए हर कोई चीज अगर आपको अल्लाह ताला ने दी है और आप इस पोजीशन में हैं कि आप हर कोई फराम कर सकते हैं, फरमाइश अपने बच्चों की पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो आप खिदमत नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं। अगर आपने हर कोई चीज मुहैया रखी है अपनी औलाद को, या आपको ये कदर तब आएगी जब मेहनत से मशक्कत से आपको जो है वो उन उसूल उन वैल्यूज को हम इम्बाइब करेंगे अपने अंदर, ताकि सही मानों में हम एक माशरे और एक समाज जिम्मेदार माशरे जिम्मेदार समाज का है कि हम बुनियाद डाल सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माशरे की बुनियाद जो है बहरहाल वो तो घरों से ही शुरू होती है, तो घरों में जो वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं उनकी उनको इसके बारे में मनुष्यात का आपको मालूम है कि कितना बड़ा चैलेंज आज हमारे हमारे समाज में है, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आज हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस वबा में जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को उसके लिए भी काम करना है, उसके लिए भी आप लोगों को शिकावशे करनी है, आप लोगों को आई थिंक यू नो एक्टिविटीज करनी है। माशाल्लाह शायद खास में हमारे पास मसाजिद का मदारिस का एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क है, उनको आप एक्टिवेट करें, उनके साथ आप लोग कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ अगर इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे ये कोऑपरेट करेंगे तो एक मैन पावर आपके पास होगा, एक यूथ आपके पास होगा जो कि तमाम चीजों को एड्रेस कर सकता है। देखिए एज अ इमाम एज अ खतीब एज अ मीराइज हम इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, मैं जुमा पे इसमें बात कर सकता हूँ, मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक हमारी नई नस्ल खुद मुतहरिक नहीं होगी, आप जैसे नौजवान आगे नहीं आएंगे समाजी कामों में अखलाकी कामों में दीनी कामों में आगे नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी हैयत को तब्दील नहीं कर सकते। इतने चैलेंजेस, इंटरनेट सबसे पहले बंद हमारे शहरी खास में, स्कूल्स बंद हमारे शहरी खास के, उसके बावजूद भी हमारे इन स्कूल्स ने दिन रात करके जो है रिजल्ट देके पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दी कि सब कुछ चल सकता है, लेकिन एजुकेशन अगर रुक गई खुदा ना खास्ता वो फिर कौन भी तबाह हो जाएगी। वाली मुबारक हाँ ये